फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी टियाना गोल्डन शिवजू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डॉग के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। करते हैं वीडियो शुरू। फाइनली क्या है कि मेरी टियाना 3 मंथ्स की हो गई है, इसलिए मैं एक वीडियो अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं आप, ये है मेरी टियाना शिवजू गोल्डन। ये देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी, पूरा राउंड फेस है सामने से और साइड से भी आप देख सकते हैं पंच फेस। 3 मंथ्स की हो गई है कंप्लीट, 6 तारीख को ये, तो सोचा आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ इसका। और जो मैं इसको वैक्सीनेशन जो मैं कराता हूँ, इसको मैं सिर्फ 3 वैक्सीन कराता हूँ, 2 7-in-1 की और एक अपना रेबिस का। उसका मैं आपको अपने कार्ड का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो टियाना का मैंने कार्ड बनाया हुआ। मेरे सारे डॉग्स का कार्ड बना हुआ है, सब डॉग्स का जितने मेरे पास डॉग्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप क्वालिटी। जो मैं पहला वैक्सीनेशन कराता हूँ वो मैं कराता हूँ 2 मंथ्स से, क्योंकि थोड़ा 2 मंथ से मैं सब डॉग्स से इसलिए भी कराता हूँ कि थोड़ा इंटरनली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो वैक्सीन इनको लगता है तो उनकी वजह से इनको कोई ये कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, लूज नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बार वैक्सीन करने के बाद आपका डॉग सुस्त हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरा जो पहला वैक्सीन लगता है वो मैं 2 मंथ्स पे लगवाता हूँ, और जो दूसरा जो वैक्सीन लगता है वो 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे दोनों वैक्सीन इकट्ठे लग जाते हैं, 7-in-1 का बूस्टर और अपना रेबिस का, दोनों इकट्ठे लगते हैं। और इस बार भी 6 तारीख को मैं लगवा के लाया था, 5 तारीख को, तो इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था कि मतलब इसके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी इसको इशू नहीं हुए थे कि वो लूज़ हो गई है, सुस्त हो गई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे डॉक्टर। क्योंकि मैं थोड़ा बड़े होने के बाद ही वैक्सीन कराता हूँ ताकि वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाए वैक्सीन के लिए। ये देख सकते हैं फेस इसका, फुल्ली पंच फेस है, फेस एकदम जैसा फीमेल का रहना चाहिए शिवजू का, सेम। ये देख सकते हैं हम साइड से, आप बताइएगा आपको कैसी लगती है मेरी टियाना। मैं इसको प्यार से किया बुलाता हूँ, और मैं इसको बिटिया रानी बुलाता हूँ। ये देख सकते हैं पूरे बफी बफी बाल है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं इसको कौन सा फूड दे रहा हूँ। इस बार मैंने इनका फूड चेंज कर दिया था, इस बार मैं इसके लिए दूसरा फूड दे रहा हूँ, तो वो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं इसको कौन सा फूड अभी दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यही अपडेट देना था। 3 मंथ्स की फाइनली हो गई है मेरी टियाना, वैक्सीन कम्प्लीट हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय कर दे, बाय।